Hi students, welcome to class 12th by an academy. I'm Shivani Sharma, your maths educator. So बच्चे आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसिस के हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आराम से क्वेश्चन को रीड कर लेंगे आप सबके सब. आपके सामने यार एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x2. आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 मेंशन है. आपको शो करना है कि आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इन टू दिस मैट्रिक्स. ठीक है, देखा जाए दिस इज योर एल एच एस, दिस इज योर आर एच एस. आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है. और यहाँ पे ए और आई मैट्रिक्स का यूज हुआ है, ए मैट्रिक्स गिवन है एंड आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी आपको बता दिया है. हमने कहा ठीक है एक काम करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन में LHS को पकड़ते हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या पकड़ते हैं, LHS को पकड़ते हैं अपन इस क्वेश्चन में. LHS हमारे पास है I plus A. I के बारे में यार इन्हें बोला है कि it's an identity matrix of order 2, तो यही आपकी identity matrix होती है. बीच में प्लस का निशान है, प्लस बना दीजिए. देन आपकी जो A matrix है क्या 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 एंड 0. ठीक है, अपने ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को जाके मैंने रख दिया. तो 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 एंड 0. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज ऐड दीज टू मैट्राइसिस. क्या इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना पॉसिबल है? यस yes. इसका ऑर्डर भी 2x2 है, इसका ऑर्डर भी 2x2 है. यस yes, आप इन दोनों मैट्राइसिस को ऐड कर सकते हो. कैसे ऐड करोगे बच्चों? करस्पॉन्डिंग टर्म्स आर एडेड, है ना. तो ये क्या होगा, 1 प्लस 0 1, 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2, 0 प्लस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2, 1 प्लस 0 इज 1. तो बच्चा ये आपके पास क्या है, I प्लस A है. ठीक है, अब इन लोगों ने आपको कहा है कि इस I प्लस A को तुम्हें इसके बराबर प्रूव करना है. तो चलो ठीक है, एक बार यार I माइनस A भी निकाल लेते हैं. चलिए जी सबके सब एक बार हम लोग आई माइनस ए भी फाइंड कर लेते हैं. सो आई माइनस ए क्या होगा, आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2, 0. क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो चलिए जी फटाफट सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो आई माइनस ए आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस माइनस 10 अल्फा बाय 2 इज प्लस 10 अल्फा बाय 2, 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 इज माइनस 10 अल्फा बाय 2, 1 माइनस 0 इज 1 ओनली. ठीक है, ये आपके पास I माइनस A आया है. लेकिन हमको I माइनस A नहीं, हमें तो I माइनस A इंटू कॉस अल्फा, है ना. आर एच एस तो हमारा यही था, चेक करो सबके सब. I माइनस A cos alpha minus sin alpha, cos alpha minus sin alpha, sin alpha cos alpha, ये हमारा RHS था. हमें इसके बारे में बात करनी है. ठीक है, अभी बेटा मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, अभी मैंने कुछ नहीं किया यार, जो जो चीजें यहां लिखी थी उनको बस फाइंड कर लिया है. ठीक है, मैंने I plus A निकाल लिया, I minus A निकाल लिया. अब मैं अपने इस क्वेश्चन में यार RHS को उठा रही हूँ. ठीक है, अब मैं अपने इस क्वेश्चन में RHS को पिक कर रही हूँ. सो दिस इज माय RHS, राइट. यहाँ पे आप चाहे तो लिख लीजिए, RHS को उठा रहे हैं अपन. RHS को हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि यार हमारा RHS LHS के बराबर आ जाए. अगर RHS मेरा LHS के बराबर आ जाता है तो हैंस प्रूव हो जाएगा. ठीक है, तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है. तो सबसे पहले बच्चा RHS को हमने उठा लिया, I प्लस ए हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. तो आओ यहाँ पे I माइनस ए की वैल्यू रख देते हैं, है ना. I माइनस ए हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, I माइनस ए ये रहा. तो आप इसे लिख लेंगे, दिस इज यहाँ पे 1 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2. ठीक है, 1. ओके बच्चा, दिस इज योर I माइनस ए इनटू दिस मैट्रिक्स. मुझे अपनी इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यार इस मैट्रिक्स से करना है. ठीक है, मैं पता है क्या सोच रही हूं,
कॉस अल्फा की जगह पे मैं ये लिख दूं 1 - 10² अल्फा / 2 डिवाइडेड बाय 1 + 10² अल्फा / 2। मैंने बेटा क्या किया, कॉस अल्फा की जगह पे इसको लिख दिया। आप सोचो ऐसा मैंने क्यों किया, तब तक मैं साइन अल्फा की जगह पे, देखेंगे सबके सब, ये माइनस का साइन तो कॉपी किया, साइन अल्फा की जगह पे बच्चा मैं 2 tan α/2 डिवाइडेड बाय 1 + 10² अल्फा / 2 लिख रही हूं। यस, हमने यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा दी। कॉस अल्फा की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी टेन के टर्म्स में जो होती है वो लिखी मैंने, साइन अल्फा की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी टेन के टर्म्स में जो होती है वो लिखी मैंने। अब आप सोच रहे हो कि मैम टेन के टर्म्स वाली ही क्यों लिखी है आपने, क्योंकि बच्चों ऑलरेडी टेन के टर्म्स में मेरे पास ये वाला ब्रैकेट है और जो आई प्लस ए हमको लेके आना है अपने LHS तक, वहां पे भी 10 α/2 समथिंग है, तो क्यों ना यार इस एंगल को हम 10 के टर्म्स में चेंज कर लें यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और देखो यार ये फुल एंगल था, हमको तो हाफ एंगल चाहिए था, हम हाफ एंगल तक भी पहुंच गए। ओके राइट, ऐसे ही बच्चा साइन अल्फा की जगह पे आप लिख सकते हैं 2 tan α/2 डिवाइडेड बाय 1 + 10² अल्फा / 2। कॉस अल्फा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 - 10² अल्फा / 2 डिवाइडेड बाय 1 + 10² अल्फा / 2। एंड यार ये ब्रैकेट आपने बंद कर दिया। मैम हाँ मल्टीप्लीकेशन करना है, यहाँ तो इजी होता मल्टीप्लीकेशन, यहाँ आपको नहीं लग रहा थोड़ा टफ हो जाएगा? अरे भाई क्यों टेंशन ले रहे हो सबके सब, एक काम करो 10 α/2 को ना कुछ समय के लिए टी मान लो, ठीक है। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि बच्चा दिस इज वन राइट, 10 α/2 को क्या मान लेंगे आप, पी मान लीजिए। तो यार जहां पे भी तुम्हारे पास 10 α/2 लिखा है वहां हर जगह तुम टी सब्सिट्यूट कर दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज 1 - t² / 1 + t² 2t / 1 + t² माइनस का साइन भी था यहाँ पे, यहाँ पे 2t / 1 + t² 1 - t² / 1 + t², ठीक है। क्या किया हमने, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अरे बच्चा कुछ नहीं किया मैंने, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे थे, मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम होगी यार इतना सारा 10 10 देख के। तो हमने कहा एक काम करते हैं, जहां भी 10 α/2 लिखा है उन सब जगह पे हम टी रख देते हैं, ठीक है। और चाहो तो यार यहाँ पे मेंशन करके लिख के दिखा देना वेयर 10 α/2 की जगह पे हमने टी रख दिया है, ठीक है बच्चा। अब आपको क्या करना है, अब आपको यार इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना है। आओ फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ही मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है, ये भी 2/2 ये भी 2/2, तो कोई टेंशन है ही नहीं हमको कि मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट वाइज करेंगे मल्टीप्लीकेशन, बीच में एडिशन। सो यार 1 का मल्टीप्लीकेशन इससे करोगे, दिस विल बी 1 - t² / 1 + t², बीच में प्लस, t का मल्टीप्लीकेशन इससे करोगे तो ये बनेगा 2t² / 1 + t². फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन, बीच में एडिशन विल गिव यू फर्स्ट एलिमेंट राइट। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन इससे करोगे तो -2t / 1 + t² प्लस, t का मल्टीप्लीकेशन इससे करोगे सो दिस विल बी t - t³/1 + t², ठीक है बच्चा। सबके सब चेक कर लो, क्या किया यार मैंने, पहली रो दूसरा कॉलम 1 का मल्टीप्लीकेशन इससे किया, नो प्रॉब्लम, बीच में एडिशन। अब आपने यहाँ पे t का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -t का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, सो दिस विल बी -t + t³/ नीचे क्या लिखा है 1 + t² फिर 1 का मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे, बीच में एडिशन आएगा, दिस विल बी 2t / 1 + t². सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन, तो बच्चा ये बन जाएगा 2t² / 1 + t² फिर 1 का मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे सो 1 - t² / 1 + t². जस्ट मल्टीप्लीकेशन है और कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है। पहला रो पहला कॉलम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन एडिशन, पहली रो दूसरा कॉलम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन एडिशन,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन, बीच में एडिशन, राइट, फिर दूसरा एलिमेंट का मल्टीप्लाई करोगे. उसके बाद क्या, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन, बीच में एडिशन, दैट्स इट. ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो. इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 टी स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर. तो बच्चा इसको सिंप्लीफाई करूंगी मैं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. चेक कर लेंगे सबके सब, चेक कर लीजिए बेटा, माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 टी स्क्वायर विल बी टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा फर्स्ट टर्म. एंड ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 1, तो यार इसको डायरेक्टली मैं कैंसिल भी कर ही देती हूँ. ठीक है यार, ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखते हैं अपन. यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, तो यार इसको ऐसा लिख सकती हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर. यहाँ पे आप देखेंगे माइनस 2 टी प्लस टी विल बी माइनस टी, ठीक है, माइनस टी क्यूब. बच्चा क्या करें, माइनस टी कॉमन ले ले, माइनस टी कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे भी क्या लिखा है, 1 प्लस टी स्क्वायर, दे विल कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचेगा, माइनस टी. तो यार जब इसको सॉल्व करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस टी. तो मैं जाके वहां पे माइनस टी लिख देती हूँ. सो दिस इज माइनस टी. इसके बाद आ जाओ फिर से सेम कहानी, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, माइनस ये न्यूमिरेटर ऐड हो जाएगा, है ना, कैसा बनेगा ये, दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस टी प्लस 2 टी विल बी टी, दिस इज टी क्यूब. न्यूमिरेटर से टी कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट. यार तुम्हारे पास क्या आ रहा है, तुम्हारे पास टी आ रहा है, तो यहाँ पे टी आ गया. चलिए जी आगे चलते हैं, अपन आगे चलते हैं. डिनोमिनेटर सेम है, 2 टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर क्या होगा, टी स्क्वायर होगा. सो दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1, और नीचे भी टी स्क्वायर प्लस 1 है, दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यू विल गेट 1. तो बच्चा ये आ रहा है मेरे पास आर एच एस. ठीक है, आर एच एस को सिंप्लीफाई करने पे यार हमको ये मिला. अब हमें ये चेक करना है कि क्या हमें यही लेके आना था क्या, ये लिख देना, तो तुमने टेन अल्फा बाई 2 को टी अज्यूम किया है, लिख देना ये. ठीक है चलो चेक कर लेते हैं. अब टेन अल्फा बाई 2 को टी अज्यूम किया है ना, तो चलो यार इसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दो, एक काम करो. ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पे दिस इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टी की जगह पे टेन अल्फा बाई 2 रख दो, टेन अल्फा बाई 2 एंड दिस इज 1. ठीक है बच्चा, ये मेरा आर एच एस पूरा सिंप्लीफाई होके आया. देख लो सबके सब हमने आर एच एस को ही उठाया था. ठीक है, दिस वॉज माई आर एच एस, आर एच एस को उठाया, पूरा सिंप्लीफाई किया हमने, तो यार हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं. और अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, यही आपका एल एच एस आया था. चेक कर लो सबके सब, अभी के अभी सब चेक कर लेंगे, आपका एल एच एस भी यही आया था. एल एच एस कहाँ है आपका, ओके, आई प्लस ए. चेक कर ले सबके सब, एल एच एस वॉज आई प्लस ए, और आई प्लस ए किसके बराबर आ रहा है, 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 1. आओ सबके सब चेक कर लेते हैं लाइन से. सो यस बच्चा, 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 1, यही आपके एल एच एस के बराबर आ रहा है. तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि यार हमारा जो आर एच एस है वो एल एच एस के बराबर है. तो यार क्या हो गया, ये हैंस प्रूव हो गया, दिस इज हैंस प्रूव. ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को टारगेट किया. यार क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि तुमको बताना है क्या, तुम्हें ए दे रहे हैं, आई दे रहे हैं, तुम आई प्लस ए को इसके बराबर शो कर दो. मैंने कहा ठीक है एक बार आई प्लस ए निकाल लेते हैं कितना आ रहा है. ठीक है, एक बार यार हमने आई प्लस ए निकाल लिया, ये रहा आई, ये रहा ए, दोनों को ऐड करके रख दिया. ठीक है, फिर यार इसको देखा तो हमने सोचा चलो एक काम करते हैं, पहले आई माइनस ए भी निकाल लेते हैं. तो हमने आई माइनस ए निकाल के रख लिया. फिर यार जब क्वेश्चन वालों ने क्या कहा था कि तुमको आई माइनस ए इंटू ये इसको इसके बराबर शो करना है, मैंने कहा ठीक है आर एच एस को उठाते हैं और एल एच एस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. सो हमने आर एच एस को उठा लिया. ठीक है, आई माइनस ए को भी हमने सॉल्व कर लिया, दिस इज माई आर एच एस, इसको उठाया, मल्टीप्लीकेशन करना था. लेकिन यार यहाँ पे तुम खुद देखो सब कुछ 10 अल्फा बाई 2 के टर्म्स में है, और यार इसमें भी ये पोटेंशियल है कि हम इसको भी 10 अल्फा बाई 2 के टर्म्स में ला सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला. तो यहाँ पे मैंने कॉस को 10 के टर्म्स में, साइन को 10 के टर्म्स में लिखा यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला. अब आर एच एस उठा तो लिया है,
पहुंचना एलएचएस तक है, आई प्लस ए तक, ठीक है। हमने कहा यार आरएचएस उठा तो लिया है, मल्टीप्लीकेशन करने में काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम करो, टेन अल्फा बाई टू को तुम टी अज्यूम कर लो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर को ऐड करते जाओ, कॉमन लेके चीजों को कट करोगे, आफ्टर दिस यू विल गेट कुछ ऐसा मिल जाएगा तुमको यहाँ पे, ठीक है। और ये तो कुछ नहीं, यही तो हमारा एलएचएस था। तो हमने क्या देखा कि हमारा आरएचएस एलएचएस के बराबर हो गया, हैंस प्रूव हो गया। बच्चों इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको इस क्वेश्चन में मजा आई होगी। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर।